उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें नशे में धुत एक शराबी 11,000 वोल्ट की लाइन पर चढ़ गया और काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा करता रहा। काफी देर वो तारों को पकड़कर बैठा रहा। इसके बाद उसने हाथों में तार पकड़कर स्टंट बाजी की। हालांकि गनीमत रही कि उस वक्त बिजली की सप्लाई बंद थी, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। इस बीच वहाँ मौजूद लोगों ने उसे उतारने की काफी कोशिश की, लेकिन उसने किसी की एक नहीं सुनी और लगातार तारों पर झूलता नजर आया। हालांकि कुछ देर बाद सूचना पर बिजली विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और उसे नीचे उतारा। सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी लगातार जारी है। अब तक 3,000 लोगों को सूडान से वापस घर वापसी उनकी हो चुकी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारतीय नागरिकों को लेकर एक और विमान सूडान से रवाना हुआ है। इस विमान से 122 लोग सऊदी अरब के जेद्दा लाए गए हैं। और सूरत पुलिस की एसओटी टीम ने 4,30,00,000 रुपए के सोने के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग दुबई से अंडरगार्मेंट में सोना छिपा कर लाते थे।